हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो हाउ टू प्ले लियोस ट्यूटोरियल जर्नी पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लो वर्क बेंच और कैबिनेट और स्लीपिंग बैग, इन तीनों का यूज क्या है और इन तीनों का गेम में क्या यूज है, इनसे होता क्या है। ठीक है, तो इन तीनों का यूज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, मैंने जो है सर्वाइवल ट्यूटोरियल बताया था उसके पीछे सर्वर, तो मैं एक जर्नी स्टार्ट किया हूँ, तो अगर आप बिगनर्स प्लेयर हैं तो आप उस जर्नी को देख सकते हैं। ये पार्ट 4 है, बाकी 3 वीडियो पीछे हैं वो ये अपलोड हो चुकी हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक है तो आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिए। ठीक है, अगर बिगनर्स हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी जो लियो से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है लॉग वर्क बेंच, कैबिनेट और स्लीपिंग बैग, तो इन तीनों का यूज़ क्या है और लो वर्क बेंच से संबंधित जो कंडीशन नॉट मेट आता है वो क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और स्लीपिंग बैग से जितने भी इन तीनों से यूज होते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लो वर्क बेंच की। तो देखिए, लो वर्क बेंच एक ऐसी मशीन है जिसके पास अगर आप जाते हैं तभी आप कोई भी सामान बना सकते हैं। मतलब अगर आपको इस गेम में कोई भी सामान बनाना है तो आपको इसके पास जाना होगा, ना कि इसे यूज करके, यूज पर क्लिक करके बनाना होगा, ऐसा नहीं है। आप जैसे दूर पे हैं, अगर आपका सामान नहीं बन रहा है तो आप इसके पास जाइए, सामान बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तें हैं, इसका भी लेवल अपग्रेड होता है। जैसे अगर आप यूज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे, ये तो पहले एक लेवल हमेशा रहता है, ठीक है, फिर आपको इसे दो लेवल अपग्रेड करने के लिए 300 स्पेयर लगाना पड़ेगा, 30 सेकंड में ये अपग्रेड हो जाएगा। तो आपके जो बैकपैक में जितने भी सामान बनाने वाली चीज़ें होती है, अगर वो दो लेवल की हैं तो आपको भी ये जो वर्क बेंच है इसे दो लेवल करना होगा। और अगर आपके जो भी जैसे कोई हाई लेवल्स की बनाना चाहते हैं, जैसे गन हो गया और जो बम हो गए और बजूका वगैरह, ये सब बनाना चाहते हैं तो आपको लेवल 3 पे अपग्रेड करना होगा। तो जैसे अभी लेवल 3 नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर जब लेवल 2 अपग्रेड कर देंगे तब उसके बाद लेवल 3 आ जाएगा। तो अभी मेरे पास स्पेयर नहीं है तो मैं इसे अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और वही जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था कि जो कंडीशन नॉट मेट आता है, तो वो यही प्रॉब्लम है, आपको इसके पास जाकर के सामान बनाना होगा। अगर आप इससे दूर रहेंगे तो फिर कंडीशन नॉट मेट आएगा, और तब आएगा जब मान लीजिए ये लो वर्क बेंच का जो लेवल है वो कम है और आप सामान जो बना रहे हैं वो ऊँचे लेवल का है, मतलब ऊपर लेवल का है, वो 3 लेवल का है और आपका ये वर्क बेंच 2 लेवल का है, तो फिर कंडीशन नॉट मेट बताएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो और एक चीज़, हाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, और यहाँ से रेसिपी निकलती है। ऐसे मान लीजिए अगर आपको रेसिपी ढूंढनी नहीं आ रही है, मतलब आप रेसिपी नहीं ढूंढना चाहते हैं, मैं डायरेक्ट मेरे घर में रेसिपी मिल जाए, रेसिपी का यूज आगे आपको पता चल जाएगा रेसिपी क्या है। तो आपको यहाँ से रेसिपी निकालने के लिए आपको यूज पे जाना होगा। यूज पे जाने के लिए आप जिस लेवल का रेसिपी सर्च करना चाहते हैं उस लेवल पे जाना होगा। जैसे अभी मेरा 1 लेवल खुला है और 2 लेवल मुझे अपग्रेड करना है। तो देखिए, जैसे मैं 1 लेवल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक नीचे आता है स्टार्ट R&D। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रेसिपी बननी स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी रेसिपी बनेगी वो रैंडम रेसिपी रहेगी, किसी की भी बन सकती है, उसमें कोई कुछ गारंटी नहीं होती कि मुझे इसकी रेसिपी ही चाहिए, ठीक है। ये रैंडम रेसिपी बना करके दे देता है और ये लेवल 3 तक होता है, लेवल 3 तक आपको रेसिपी ही मिल जाती है। चलिए, तो इसका यूज बस इतना ही है। और अब बढ़ते हैं अपने कैबिनेट की तरफ। देखिए, कैबिनेट का जो यूज है वो सबसे बड़ा यूज कैबिनेट का ही, ठीक है, क्योंकि अगर इस गेम में कैबिनेट ना हो तो फिर गेम का कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर पे अपना कैबिनेट लगाया हूँ, तो जितना बड़ा घर है उस पूरे घर में मेरा कब्जा है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप अपना कैबिनेट हटा दिए और आपका कोई दोस्त आकर के यहाँ पे कैबिनेट लगा दिया, तो फिर ये घर आपका नहीं रह जाएगा, जिसने कैबिनेट लगाया घर उसका, ये होता है कैबिनेट का यूज, ठीक है। और कैबिनेट का काम ये है कि जैसे आपका घर जैसे बना दिए तो घर आपका धीरे धीरे कमज़ोर हो जा रहा है, या कमज़ोर हो रहा है, या फिर कहीं पे कुछ भी टूट रहा है, तो उसे रिपेयर करने का काम कैबिनेट करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर पे कोई रेड करने आ गया और एक दो वाल को तोड़ दिया, या फिर पूरा नहीं टूट पाया, आधा डैमेज हो गया, तो उसे रिपेयर करेगा कैबिनेट। आप डायरेक्टली भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो एक एक करके करेंगे, और कैबिनेट जो है जो जितना रिपेयर करना होगा पूरे बेस में सब एक साथ रिपेयर कर देता है। तो इसे रिपेयर करने के लिए कैबिनेट के यूज बटन पे जाना होता है, और यहाँ पे जो मिड वाला रहता है, बीच वाला, यहाँ पे रिपेयर, तो यहाँ पे जितना भी रिपेयर रहेगा आ जाएगा, और जो भी सामान चाहिए अगर आपके पास रहेगा तो क्विक रिपेयर के क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरा रिपेयर कर देगा।
और हाँ, ये जो अभी मेरा वर्किंग दिख रहा है और मैं इसे जैसे यहाँ पे मेरा अभी वुड डला हुआ है, ठीक है, मतलब अगर मेरा घर पूरा वुड का है तो मुझे इस कैबिनेट में वुड डालना पड़ेगा। जब स्टोन का घर हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे स्टोन भी डालना पड़ेगा। आयरन का घर हो जाएगा तो मुझे आयरन डालना पड़ेगा। फिर स्टील का करेंगे तो स्टील डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जैसा बेस हो उसी के हिसाब से यहाँ पर लगेगा सामान। जैसे मान लीजिए मैं अभी वुड निकाल देता हूँ तो यहाँ पर देखिए नीचे रेड में आ भी गया वुड 3, मतलब यहाँ पर उसे 30 वुड चाहिए। तो मेरे पास अभी 705 है। जैसे मैं एक मिनट आपको थोड़ा बैक करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे आ गया लैक ऑफ मटेरियल, मतलब इसमें सामान की कमी है। तो यूज पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सामान डाल देता हूँ तो फिर ये वर्किंग हो गया, मतलब अभी ये काम करने लग गया है। तो ये होता है, तो जैसा आपका बेस रहेगा उसके हिसाब से ये सामान यहाँ पे मांगेगा तो आप उसके हिसाब से सामान दे देंगे तो ये वर्किंग रहेगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा आपका वर्किंग में रहना चाहिए। अगर आप ये वर्किंग में नहीं रखेंगे तो कुछ देर बाद धीरे धीरे आपका बेस डैमेज होता जाएगा ऑटोमेटिक, और ये रहता है तो ऑटोमेटिक उसे रिपेयर करता जाता है जब वर्किंग में रहेगा तब। और एक कैबिनेट का यूज और है, जब ये सर्वर इंड होता है तब कैबिनेट में जो बैच निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि बैच अगर आपको निकालना है तो वो कैबिनेट के माध्यम से ही निकलेगा। आपको बैच लूट के ला करके अपने कैबिनेट में रखना होगा। तो जिसने भी उस कैबिनेट को लगाया है और इस कैबिनेट में जितने लोगों का टर्फ रहेगा उतने लोगों को मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ टर्फ के बारे में, टर्फ क्या होता है। तो देखो, टर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसे अगर आप जिस बंदे के साथ ऑन कर देंगे तो वो बंदा आपके घर को तोड़ सकता है, बना सकता है। मान लीजिए आप पूरा ग्रुप के साथ घर बनाना चाहते हैं, जैसे आप अकेले घर बनाते हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं अपने पूरे फ्रेंड के साथ, चार लोग हैं तो मैं चारों लोग एक साथ घर बनाऊँ, कोई दीवार बनाए तो कोई बेस लगाए, कोई छत बनाए, ऐसा करें, तो आपको जाना है यूज पे। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला है मैनेज टर्फ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी जितने भी हमारे फ्रेंड हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और आपका फ्रेंड ऑनलाइन होना चाहिए, और ऑनलाइन होना चाहिए, आपके सर्वर में होना चाहिए, और एक शर्त और है कि वो आपके फ्रेंड लिस्ट में होना चाहिए। आप डायरेक्टली किसी को टर्फ नहीं दे सकते। अगर आपके वो फ्रेंड लिस्ट में है और आप किसी सर्वर में हैं तब आप उसे टर्फ दे पाएंगे। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे तो फिर वो आपके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कैबिनेट का यूज, ठीक है। और यहाँ पे जो अपग्रेड आ रहा है, यहाँ से आप घर को डायरेक्टली अपग्रेड कर पाएंगे। यहाँ से मतलब ये है कि जैसे आप एक एक वाल को अपग्रेड करेंगे, स्टोन करेंगे, फिर आयरन करेंगे, स्टील करेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट जिसमें आपको करना है यहाँ पे जितना भी मटेरियल चाहिए आप लगा करके डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे मुझे 4950 स्टोन चाहिए तो मैं डायरेक्ट यहाँ से अपग्रेड कर दूंगा, तो डायरेक्ट पूरा बेस मेरा स्टोन में हो जाएगा। फिर उसके बाद यही आयरन, फिर स्टील, फिर टाइटेन, ये होता है। तो कैबिनेट का यूज बस इतना ही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लीपिंग बैग की तरफ। तो स्लीपिंग बैग का यूज ये होता है कि जैसे आप कहीं पर मारे गए तो आप डायरेक्टली अपने बेस पे आ जाएंगे। अगर आपके घर में आपका स्लीपिंग बैग लगा रहेगा तो आप बाहर कहीं भी मार खाते हैं या फिर कोई आपको मार देता है तो डायरेक्ट आप अपने घर पे आ जाएंगे। अगर आप अपने घर पे स्लीपिंग बैग नहीं लगाए रहेंगे तब आप डायरेक्टली किसी भी रैंडम पॉइंट पे रिस्पॉन होंगे। और स्लीपिंग बैग का यही यूज होता है, बेसिकली यही यूज है कि आप रिस्पॉन हो जाइए, आप अपने घर पे आ जाइए जहाँ पे जाना है, ऐसा होता है, ठीक है, डायरेक्टली वाला ये काम होता है। तो अगर आपको डायरेक्टली कहीं से भी अपना घर पे आना है तो आपको जाना है अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे। जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट पहुंच गए, आपका बेस है कहीं और पे है, है ना, रिसर्च लैब पर है आपका बेस, तो आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो जैसे ही आपका ये सेटिंग वाला ऑप्शन खुलेगा तो यहाँ से एक आएगा सेल्फ फ्रीइंग, मतलब इसे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मर जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं मर गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मेरा दिखा रहा है स्लीपिंग बैग 1, तो मैंने अपने बेस में स्लीपिंग बैग लगाया है। जहाँ जहाँ पे आपका स्लीपिंग बैग लगा रहेगा वहाँ पे आपको मैप में लोकेशन भी दिखाया जाएगा। तो आप जिस स्लीपिंग बैग पर जाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करके रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। जैसे मुझे अब रैंडम पॉइंट पे जाना है, मुझे अपने घर पे नहीं जाना है, तो मैं रैंडम पॉइंट पे क्लिक करूँगा और डायरेक्ट रिस्ट्रिक्ट कर दूँगा तो मैं डायरेक्ट रिस्पॉन हो जाऊँगा। तो मुझे अपने अभी घर पे ही जाना है। और एक चीज़ और, जब आप कहीं पर भी रिसेल्फिस मारते हैं या फिर कोई आपको मार देता है तो आपका सारा सामान गुम हो जाएगा, क्योंकि रैंक सर्वर का यही नियम है। सोशल सर्वर खेलेंगे तो वो अलग बात है, ठीक है। रैंक सर्वर में यही होता है कि अगर आप कहीं भी मारे जाते हैं या फिर रिसेल्फिस यूज करते हैं तो आपका जितना भी सामान आपके साथ रहेगा वो छूट जाएगा, आप उसे दोबारा नहीं ले पाएंगे, या फिर दोबारा वापस जा करके पैदल
तब ले पाएंगे। ठीक है, तो मैं रिस्ट्रक्ट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ मेरा सामान किधर गया। तो देखिए मैं अभी एकदम स्लीपिंग बैग पर ही खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा वो सामान जो मैं अभी मेरा अभी जो छूटा है, तो मैं यहाँ से अपना सामान उठा लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा सामान आ गया है। तो आशा करता हूँ आपको स्लीपिंग बैग और कैबिनेट और लोअर बेंच इन तीनों का यूज और इनका क्या मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। बिगनर्स हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं एक ये जर्नी स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, ये पार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।